तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। राम राम मेरे सब भाई बहनों को, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो मजा आपकी खूबसूरती पे होने वाला है। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। गेर बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा काम करते, आपका प्रोमो देखा बहुत अच्छा लगा हमको। भगवान करे आपका पिक्चर सुपर हिट। ये बोल रहा है करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन? दी रुक ना यहां पे, क्या हुआ? प्लीज तुझे बोला था ना लिप्स पे नहीं। हां लेकिन ऐसे ही तो होता है ना। सुन टेक्निकली हम भाई बहन है। हां लेकिन बहुत दूर के है ना, समझ रहे हो? अल्लाह भी प्रोटेक्ट मी एंड गाइड मी। इंडिया की बात ही ना करें मेरे साथ। आहे का है? क्योंकि इंडिया से मैं बात नहीं करना चाहता, ना इसराइल से, ना इंडिया से, ना अमेरिका से। तू है कौन रे? हम शेर है, पाकिस्तानी है। हम अपने मुल्क पर जान भी कुर्बान करेंगे और जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसका वही हाल करेंगे जो वो अभिनंदन का किया। बड़ी बड़ी बात मत चोट, समझा? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग के खाने पीने के वांदे भेल। हमारे मुल्क में तेल है, हर चीज है, दुनिया का हर चीज मौजूद है। अल्लाह की नेमतें, चार मौसम है, क्या बोला तूने? और पहाड़ियां। साला कार्टून जोकर। तो हमारा सीपैक मुकम्मल होने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो। हमसे वो तलब रखे करेंगे कि पाकिस्तानी आकर हमारे मुल्क में काम करें और ये सारी दुनिया के मुल्क इधर काम करेंगे। लगता ये पागल हो गया। एक इंशाल्लाह एक डैम बनेगा और ये अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान तरक्की करेगा। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। हमारे हाथों में चार उंगलियां और एक अंगूठा है जो साबित करता है कि एक मर्द के साथ चार औरतें ही होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि एक मर्द के साथ चार औरतें ही होनी चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? हिंदू केशव जो भी आप, मतलब जो भी आप चलोगे, आप अकॉर्डिंग टू गीता गीता या बाइबल चलोगे ना, संविधान वही ना, जो पूजा पद्धति तक ठीक है। अभी हम चलेंगे ना, हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा कुरान कहेगा ना, संविधान कहेगा। हाँ संविधान कहेगा ना, पहले कुरान है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये ऐसा नहीं है ना, लोकतांत्रिक देश में पहले संविधान है, पहले कुरान है जो हमारे कुरान। लेकिन संविधान में सबसे ऊपर संविधान आता है, उसके बाद में रिलीजन आता है। ना ना ना, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बच्चे 12 पैदा कर लो, सरकार को कोस लो। और क्या बच्चे होना है? आपके कितने बच्चे? हमारे 12 बच्चे है। अच्छा 12 बच्चे? हाँ, मेरे कोई योजना ना चाहिए। कितने बच्चे? एक मिनट, कितने बच्चे आपके? हमारे एक योजना बता दिया, मेरे 12 बच्चे हैं, हमारे कोई योजना ना चाहिए। चल छुट्टी, हम कोई योजना नहीं, हम मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। नाम है आपका? नैना देवी। नैना देवी, क्या बोला तूने? नैना देवी। नैना देवी, नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ जी। अच्छा क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं तो बता दो। अरे तो बच्चे मेरा छोटे छोटे हैं, बड़े कहाँ हैं? अच्छा आपको आपको 12 के 12 बच्चों के नाम रटे हुए हैं, क्या क्या नाम है? हाँ क्या क्या नाम है जरा बताना, 12 के 12 बच्चों के नाम बताओ। हाँ 12 के 12 बच्चों के नाम। शर्मा गई। अरे नाम नाम तो बता दो, आप झूठ बोल रही हो उसका मतलब। सुनो एक मिनट, नहीं या तो बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर बीमार साथ खेलो ना। पुत्र मैं अब इस उम्र में बच्चों के साथ खेलता हूँ, अच्छा लगता हूँ। क्यों पापा जी, हमारे प्यारे ना भी तो बच्चों के साथ खेलते थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये बताइए किस में पढ़ा है, मदरसे में पढ़े या फिर स्कूल? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ जी। हाँ मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में वही इस्लामिक बुक्स, पार्टिकुलरली इस्लामिक बुक्स पढ़ाई जाती है और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है। तो मदरसे में क्या आपको विज्ञान, क्या गणित पढ़ाया जा रहा है? नहीं गणित नहीं पढ़ाई जाती। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो 3 तलाक बैन किया गया उसको आप लोग मान रहे नहीं मान रहे, सही है कि नहीं? कौन? बिल्कुल हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। जो चीज आना पड़ रहा है ना, और हम संविधान को इसलिए मानते हैं कि संविधान हमें हमारे मजहबी आजादी देता है, लेकिन जो मजहबी आजादी ना दे वो संविधान संविधान ही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुरमुरे जी, मुझे मुरमुरे जी। राष्ट्रपति का नाम नहीं आता, बताइए उपराष्ट्रपति कौन? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सर। अच्छा नायडू जी हैं,
यही तो बात है ना कि मदरसा में पढ़िएगा तो यही ज्ञान मिलेगा। और ये अभी बात करेंगे संविधान की, ये अभी बात करेंगे विज्ञान की, अभी आपको ज्ञान देंगे। मोहम्मद साजिश, 72 हूरे कैसी होती हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 72 हूरों के बारे में सुना आज हमने बड़ों से। 72 हूरों पे अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। आर यू कॉमेडी मी? इतनी खूबसूरत होती है अगर एक बार उसका नखून कट के गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। और अच्छा क्या? 72 हूरे कैसी होती हैं? ये हूरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। इतनी ये बताया हो गया, इतनी सुंदर बताओ। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। महत्वपूर्ण सूचना, कृपया आगे आने वाली क्लिप देखने से पहले अकेले में चले जाएं या फिर हेडफोन लगा ले, धन्यवाद। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मौलवी साहब आए थे जो सामने यहाँ कुरान रखा था, मौलवी साहब ने इस तरह से, मैं दिखाती हूँ आपको, मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये कोरियर के थ्रू पूरे वर्ल्ड में हमारी सप्लाई है दवाइयों की, सेक्स पावर के स्पेशलिस्ट हैं और लंबाई मोटाई की दवाई ज्यादा हमारे पास से डिमांड है। पूरे इंडिया में सप्लाई है, प्योर आयुर्वेदिक नेचुरल जड़ी बूटी से तैयार करते हैं, हथियार टनाटन हो जाता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, असली है ये लोटा। लंबाई भी बढ़ती है, मोटाई भी बढ़ती है, टाइमिंग भी बढ़ती है। प्यारी समझ गई। हार्डनेस आती है, लेडीज कहती है ताज चाहिए ना तख्त, हथियार चाहिए सख्त, ओके दैट्स ऑल। मजा आ गया। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको भी बहुत मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करके ये मजा अपने दोस्तों को भी देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम।